अस्सलाम वालेकुम, वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। आज हम बहुत पॉपुलर डिश बनाने वाले हैं जो कि है पालक पनीर। सबका अपना अपना अंदाज़ है, आज मैं अपने अंदाज़ से आपको बताती हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारा पानी जो है वो केटल में उबल रहा है। हमारे पास 6 औंस 164 ग्राम्स पालक है, उसको हम गर्म पानी से नाव नाव कराएंगे। बेसिकली ये देखें ये कितनी जल्दी जो है ये इसी में गर्म गर्म पानी में पक जाएगी। इसको हम थोड़ा सा हिला लेते हैं ताकि सब इक्वली मिक्स हो जाए। अच्छा देखिए मेरी पालक धुली भी थी और डंठल जो है वो मैंने निकाल दिए थे, तो आपको भी अच्छी तरह पालक को धो लेना है और उसकी डंडियों को निकाल देना है ताकि स्मूथ और अच्छा बने हमारा पालक पनीर। तो बेसिकली अब हम इसे निकाल लेंगे अपने किसी भी छन्नी में और अब हम इसको ठंडे पानी में डाल देंगे। जितना ठंडा ले सकते हैं आप वो ले लें। अच्छा देखें ये गर्म पानी से ठंडे पानी में हमारा डालने का मकसद ये है कि हमें अपने पालक का कलर ऐसे ही रखना है ग्रीन ग्रीन। अगर हम नहीं डालेंगे तो फिर वो बहुत डार्क ग्रीन या ब्राउनिश टाइप का हो जाएगा। हमें खूबसूरत ग्रीन चाहिए पालक पनीर का कलर। यहाँ रख देते हैं ताकि वो ड्रेन हो। चले जी अब हम सबसे पहले अपना चूल्हा ऑन करते हैं जो कि मीडियम हाई पे हमने रखा है चूल्हा अपना, और अब हम इसमें 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। देखें ऑयल गरम हो उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम क्या डाल रहे हैं। ये देखें 8-10 कलियाँ लहसुन की है, ये फ्रोज़न है इसलिए ऐसा लग रहा है। 1 टेबलस्पून चॉप्ड अदरक है, 1 बड़ी हरी मिर्च मैंने ली थी लेकिन 2 टेबलस्पून होगी, ये आधा कप जितना टोमेटो चॉप कर लिया, आधा हमने प्याज को स्लाइस कर दिया, तो ये सब हमारा चला गया इसमें। अब हम इसको सॉटे कर लेंगे। देखिए 3-4 मिनट तक हमने इसको सॉटे कर लिया और अब हम चूल्हे को थोड़ा सा स्लो करके, मीडियम हाई पे था अब मीडियम करके, और कवर कर देते हैं 1-2 मिनट के लिए ताकि हमारे टमाटोस और ये जो हमने साबुत लहसुन और अदरक ये सब डाला है ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। देखिए खोल के देखते हैं, 2 मिनट हो गई है, हमारे टमाटोस गल गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं, हमारे लहसुन अदरक वगैरह भी सॉफ्ट हो गया है। तो चले अब हम अपना चूल्हा बंद करते हैं और इसको 1-2 मिनट ठंडा कर लेते हैं। चले देखें ये ठंडा हो गया है, अब हम अपने मिक्सर में डाल के इसको स्मूथ सा पेस्ट बना लेते हैं। चले ये चला गया, अब हम अपनी पालक भी साथ साथ डाल देंगे। चले जी ये तो अच्छा सा हो गया, अब हम यही पैन दोबारा ऑन करते हैं। 1 टेबलस्पून ऑयल डालते हैं, थोड़ा तो हमारा रखा भी है, 1 टेबलस्पून डाला। चले अब हम इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं जिसमें से काट के 1 चाय का चम्मच 1 टीस्पून काट के नमक, 1 टीस्पून काट के लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर। तो ये सब चला गया। चले 1 टेबलस्पून हम पानी डाल देते हैं, अब भून लेते हैं इसको। चले देखें हमारा मसाला अच्छे से भून गया है, अब हम इसमें अपना पेस्ट डाल देते हैं। चले देखें अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। अच्छा देखें जब हमने स्पिनिच डाली थी तो अपना चूल्हा जो है वो थोड़ा सा स्लो कर दिया था, अब हमने दोबारा उसको मीडियम पर ही कर दिया है। देखें हमारा कितना ब्यूटीफुल यमी पनीर रेडी है,
अगर आपने इसकी रेसिपी नहीं देखी हो तो मैं ये लिंक यहाँ डालती हूँ, आप ज़रूर देखिएगा, फ्रेश ताज़ा घर का। तो चले अब हम इसको डालते हैं। अच्छा देखें, सबसे पहले तो हम क्रीम डाल देते हैं। हमने आधा कप लिया है तो अभी ही हम थोड़ा डाल देते हैं और थोड़ा हम गार्निश के लिए रख रहे हैं। अब हम अपने पनीर डाल देते हैं। चले जी, हमने अपना पनीर डाल दिया, क्रीम डाल दिया। अब हम इसको एक मिनट के लिए कवर करके सिमर पर रखते हैं। चले देखिए, दो मिनट हो गई है और इतनी खुशबुएं आ रही हैं। अब मैं इसको बंद करती हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ चखने के लिए। देखें कितना यमी लग रहा है। चले अब हम डिश आउट करते हैं। ये देखें हमारा क्रीम चला गया, तो ना यमी लग रहा है। मैं इतनी एक्साइटेड हूँ ट्राई करने के लिए। आप लोगों को छोड़ छोड़ के खाऊंगी। ज़बरदस्त खुशबुएं आ रही है। चले मैं ट्राई करूँ। उससे पहले मैं अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स का नाम लेना चाह रही हूँ, सैम नारायण जी, साद अली और उनकी अम्मी, प्यारी प्यारी अम्मी जमीला, सलीम अख्तर, हिबा शुजात। और अब मैं ट्राई कर रही हूँ। ऑसम, ज़बरदस्त, चटपटा, मज़ेदार। और वो जो ताज़ा ताज़ा पनीर बना है ना, उससे और भी यम्मी लग रहा है। प्लीज़ आप लोग ट्राई करें और मुझे कमेंट्स दें, जैसे कि आप अच्छे अच्छे देते हैं। आई होप इसके भी बहुत अच्छे अच्छे आएंगे, क्योंकि मुझे जो पसंद आता है वो आप लोग को आता ही है। तो फिर आप लोग मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। चलो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, फिर लौट के आती हूँ एक बेहतरीन रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज।